हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे ग्वार फली की बड़ी ही टेस्टी सी सब्जी। तो दोस्तों, मैंने ये फ्रेश ग्वार फली ले ली और इनको मैंने कट कर लिया वॉश करके अच्छे से। और चलिए अब हम टमाटर को ग्राइंड कर लेते हैं, और ये एक दो काचरी पड़ी थी वो भी मैंने डाल दी इसके अंदर, और इसको अब हम ग्राइंड कर लेते हैं, पेस्ट बना लेंगे, क्योंकि ये हमें इसका छोंक लगाना होगा, और क्योंकि खट्टी मीठी बनती है ये सब्जी तो और भी टेस्टी लगती है। तो चलिए छोंक लगाते हैं। साथ में मैंने प्याज, हरी मिर्च और लहसुन कट कर लिया था, और अब इनको डाल देते हैं। पहले लहसुन का लगाएंगे हम छोंक, एंड फिर हम प्याज भी डाल देंगे ऊपर से, तो ये और भी टेस्ट ऐड करेगा इसमें। और इनको थोड़ा अच्छे से पका लेंगे हम एक दो मिनट। और अब जो हमने टोमेटो की पेस्ट बनाई हुई थी उसको हम डाल देंगे ऊपर से, और अब इनको मिक्स करेंगे अच्छे प्रकार से, बिल्कुल मिक्स कर लेंगे। मैं सब अब हम मसाले डाल देंगे जो नॉर्मल मसाले हैं, धनिया पाउडर भी डालेंगे साथ में, और बिल्कुल अच्छे प्रकार से इनको मिक्स कर देना है। और अब हम इसको 5 to 10 मिनट्स के लिए पकाएंगे बिल्कुल अच्छे प्रकार से। ये बिल्कुल बॉईल हो चुकी है। अब हम इसके अंदर जो हमारी ग्वार फली कट की हुई थी उनको डाल देंगे अच्छे प्रकार से, और इसको मिक्स करेंगे फिर। अब इसको अच्छे प्रकार से हम मिक्स कर लेंगे। अगर दोस्तों आपकी ग्वार फली कच्ची होती है तो हमें पानी की ज़रूरत नहीं होती यहाँ इस वक्त डालने की। अगर मेरी जैसे कि पकी हुई है, दिखाई दे रहा है थोड़ी पकी है, तो हम इसमें थोड़ा पानी ऐड कर देंगे, उससे क्या है कि ये अच्छे कच्ची नहीं रहेगी, पक अच्छी प्रकार से रहेगी। तो इसके अंदर मैं पानी डाल दूंगी और इससे ये जल्दी पक जाएगी, कच्ची नहीं रहेगी। और ये देखिए दोस्तों, 10 मिनट के बाद हमारी ग्वार फली की सब्जी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, कितनी टेस्टी दिखाई दे रही है। और ये हमने निकाल ली है खाने के लिए। तो शुक्रिया दोस्तों, तो आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो, एंड कमेंट करके बताएं अपने व्यूज़। थैंक यू।